हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 22 पढ़ने वाले हैं और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ एग्जांपल हैं जो कि रिलेटेड टू एनवेलप से हैं। एग्जांपल है हमारे पास, सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द एनवेलप, यानी एक एनवेलप दिया हुआ है हमारे पास ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन, यानी इस लाइन की जो फैमिली है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू चेंज करने पर हमारे पास अलग अलग वैल्यू होती जाएंगी, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो एफ एल्फा प्लस एफ डबल डैश एल्फा से दी जाएगी, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, जो कर्वेचर की जो कोऑर्डिनेट है एट सेंटर पे, ये हमारे पास एक्स बराबर ये है हमारे पास एफ डैश साइन एल्फा माइनस एफ डबल डैश कोस एल्फा, एंड वाई बराबर एफ डैश एल्फा कोस एल्फा माइनस एफ डबल डैश साइन एल्फा, ये हमें शो करना है। तो फ्रेंड्स, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसकी एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो अल्फा की फॉर्म में निकालनी होगी, क्योंकि वो इक्वेशन ऑफ पैरामीटर। तो इसको अगर हम निकालने के लिए करें तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है, इसको हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। तो विद रेस्पेक्ट टू अल्फा डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स साइन अल्फा माइनस साइन आगे प्लस वाई कोस अल्फा इक्वल टू एफ डैश अल्फा, इसको हमने इक्वेशन नंबर टू दे दिया, इक्वेशन नंबर वन ये, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर हम इस इक्वेशन में अगर हम एक्स वाई टर्म को हटाना चाहे तो एक्स वाई टर्म को हटाने के लिए क्या करना होगा, कोस अल्फा का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में करना होगा, साइन अल्फा का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में करना होगा, दोनों को ऐड कर देना है। तब अगर हम ये करते हैं तो हमारे पास आ जाता है इसमें कोस अल्फा का मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा माइनस एक्स साइन अल्फा कोस अल्फा, और अगर इसमें हम करेंगे साइन अल्फा का मल्टीप्लाई तो एक्स कोस अल्फा साइन अल्फा, और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल जो आएगा, जो मैं बता देता हूँ, माइनस एक्स साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस वाई कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू एफ डैश अल्फा कोस अल्फा, ये तो हमारे पास इक्वेशन टू चेंज हुई, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो उसको चेंज करेंगे तो साइन अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये हो एक्स साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस ये हो जाएगा हमारे पास वाई साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू एफ एफ अल्फा साइन अल्फा, ये हो गया। अब इन दोनों इक्वेशनों को हमें ऐड करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये टर्म इस टर्म से कट जाएगी, ये हो जाएगा वाई कोस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई साइन स्क्वायर अल्फा, वाई को कॉमन लेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आएगा अंदर, तो वो वन हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास आ गया वाई इक्वल टू एफ डैश अल्फा कोस अल्फा प्लस एफ अल्फा साइन अल्फा, ये आ गया हमारे पास फ्रेंड्स वाई बराबर। अब अगर हम यहां से एक्स की वैल्यू निकालना चाहें इन दोनों इक्वेशन से, इससे और इससे, सॉरी हाँ एक्स की वैल्यू, तो एक्स वैल्यू के लिए हमें वाई साइन वाई वाई टर्म को काटना होगा, इसको रिमूव करना होगा, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें अगर कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई करें इसमें साइन अल्फा का मल्टीप्लाई करें और इस इक्वेशन में से उस इक्वेशन को माइनस कर दें, या इस इक्वेशन में से उस इक्वेशन को माइनस कर दें, तो हमारे पास वो कट जाएगा। तो अब ये टर्म ये काम कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई किया कोस अल्फा का, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स कोस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा कोस अल्फा इक्वल टू एफ अल्फा कोस अल्फा, और इस इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई किया है साइन अल्फा का, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा कोस अल्फा इक्वल टू एफ डैश अल्फा साइन अल्फा। अब फिर इन दोनों इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में से इक्वेशन माइनस कर दें, अगर माइनस कर दें तो उस कंडीशन में हमारे पास, अब माइनस कर दें तो माइनस करने पर साइन चेंज हो जाता है नीचे वाले टर्म पे, ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, ये कट जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास यहां से जब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो गए, जब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो एक्स को कॉमन लेके कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अंदर आएगा, वो वन हो जाएगा, तो एक्स बराबर यहाँ पे आ जाएगा एफ अल्फा कोस अल्फा माइनस एफ डैश अल्फा साइन अल्फा,
तो ये हमारे पास x बराबर आ चुका है। फ्रेंड्स ये वैल्यू हमारे पास x बराबर आ चुकी है। अब अगर हम यहां से dy / dl पर dx / dl पर निकालना चाहें तो वो निकाल सकते हैं आराम से। तो यहां से हो गया हमारे पास dx / dl पर निकालना है हमें dx / dl पर। तो dx / dl पर के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा इस टर्म को। तो इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो याद आएगा हमारे पास f डैश अल्फा, और कॉस अल्फा को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास पहले f डैश अल्फा, सॉरी इसको करें, हाँ इसको क्या हमने f डैश अल्फा कॉस अल्फा को छोड़ा, ये हो गया। उसके बाद कॉस अल्फा को करेंगे f अल्फा को छोड़ के, तो ये हो जाएगा हमारे पास f अल्फा प्लस का साइन एंड कॉस अल्फा तो साइन अल्फा, बट साइन अल्फा जो होता है एंड कॉस का जो होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ये हो गया। अब यहां से अगर देखें तो माइनस एफ डैश अल्फा को अगर छोड़ दें और इसका करें तो हो जाएगा एफ डैश अल्फा कोस अल्फा। अब अगर हम एफ इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस एफ डबल डैश अल्फा साइन अल्फा। तो फ्रेंड्स यहां पे हमारे पास अगर यहां देखें तो यहां माइनस था तो यहां पर भी माइनस साइन आएगा, तो ये हमारे पास हो चुका है। अब यहां से अगर हम देखें तो f डैश अल्फा कोस अल्फा से ये टर्म कट जाएगी, तो ये हमारे पास टर्म जब कट गई तो हमारे पास बचा ये टर्म, इससे कट चुकी है। तो और इस टर्म में से अगर हम माइनस यहां से अगर हम लिखना चाहें माइनस कॉमन लेके तो डी एक्स अपॉन डी अल्फा बराबर माइनस साइन अल्फा कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा f अल्फा प्लस f डबल डैश अल्फा, ये बच्चा। अब ये तो हमारे पास डी एक्स अपॉन डी अल्फा आ गया। अब अगर हमें डी वाई अपॉन डी अल्फा निकालना हो तो डी वाई अपॉन डी अल्फा निकालने के लिए इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है, तो इस टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं। इस टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई अपॉन डी अल्फा इक्वल टू यहां से हमारे पास आ जाएगा, इस टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ये, तो पहले एफ डैश अल्फा को छोड़ा कोस अल्फा का क्या, तो साइन अल्फा माइनस साइन आगे, उसके बाद प्लस एफ डबल डैश अल्फा कोस अल्फा, एफ डबल डैश का क्या है यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे एफ अल्फा का क्या, तो एफ डैश अल्फा और साइन अल्फा, और फिर यहां से एफ अल्फा को छोड़ा उसका क्या, तो हमारे पास प्लस एफ अल्फा कोस अल्फा। अब फिर से अगर हम देखें तो एफ माइनस एफ डैश साइन अल्फा और एफ डैश साइन अल्फा ये दोनों कट जाएंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास जैसे पहले वाले टर्म में बचा था हमारे पास डी वाई अपॉन डी अल्फा इक्वल टू इस इक्वेशन से हम कोस अल्फा कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया कोस अल्फा, और अंदर जो बचा वो बचा हमारे पास यहाँ से एफ अल्फा, यहाँ से एफ डबल डैश अल्फा, एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा। तो ये वैल्यू हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की डी अल्फा की आ चुकी है। बट हमें कर्वेचर के लिए क्या वैल्यू चाहिए होती है, कर्वेचर के लिए चाहिए होती है रो बराबर, कर्वेचर के लिए वैल्यू चाहिए होती है रो, फॉर्मूला होता है वो होता है रो बराबर, सॉरी फ्रेंड्स जगह नहीं है यहाँ पे, तो मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ ऊपर से। कर्वेचर जो भी उसकी फॉर्म वैल्यू होती है रो बराबर डी सॉरी वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इसका स्क्वायर और टोटल पावर थ्री बाई टू अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो अब इसके लिए हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अब फ्रेंड्स अगर हम इस डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन ये कर दें डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन dx अपॉन dy कर दें तो उस कंडीशन में d अल्फा से d अल्फा कट जाएगा और dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो यहां से हमारे पास dy अपॉन dx बराबर इसको लिख सकते हैं dy अपॉन d अल्फा डॉट dx, ये लिख सकते हैं
तो यहाँ से ये हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास कॉस अल्फा एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा। अब अगर हमें डी अल्फा अपॉन डी एक्स की वैल्यू लिखनी है तो मतलब डी एक्स अपॉन डी अल्फा का अपोजिट या इनवर्स लिखना है, तो इसके अनुपात लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, नीचे चला जाएगा ये, और ये हो गया एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा। तो इससे ये कट गया एफ डबल टर्म, अंदर बचा क्या ओनली माइनस कोट अल्फा। तो यहां से हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस कोट अल्फा, तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस कोट अल्फा, ये वैल्यू जब आ चुकी है तो अब हमें निकालनी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हम इस टर्म का डी वाई अपॉन डी एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे, और अल्फा जो है वो अभी भी एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा है। तो ये हो गया हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये माइनस कोट अल्फा, अगर माइनस कोट अल्फा का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा, और फिर डी अल्फा अपॉन डी एक्स। तो डी अल्फा अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहां से इसकी हेल्प से लिख सकते हैं, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी अल्फा की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा, डी अल्फा अपॉन डी एक्स है ना, इसका इनवर्स तो ये नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, और ये हो गया एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा, ये हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और वन अपॉन साइन अल्फा कोसेक अल्फा होता है, तो ये हो गया हमारे पास कोसेक क्यू अल्फा अपॉन एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा। तो यहां से हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो यहां से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी है, तो हमें अब ये वैल्यू पुट करनी है बस। तो यहां से ये वैल्यू और ये वैल्यू पुट करनी है हमें इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो रो बराबर वन प्लस ये हो गया कोट अल्फा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर अल्फा, ये हो गया माइनस साइन हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखना चाहेंगे तो ये है कोसेक क्यू अल्फा, यहाँ पे इसकी पावर थ्री बाई टू है फ्रेंड्स, और ये जो तो नीचे वाली टर्म है ये ऊपर चले जाएगी, तो ये हो गया हमारे पास एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा, ये हो गया। अब फिर से अगर इसको देखें वन प्लस कोट स्क्वायर अल्फा क्या होता है कोसेक स्क्वायर अल्फा, तो ये हो गया हमारे पास ये जो टर्म है वन प्लस कोट स्क्वायर अल्फा, इसको हम कोसेक स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं इसकी जगह, ये हो गया कोसेक स्क्वायर अल्फा। अब कोसेक स्क्वायर अल्फा की अगर हम पावर अंदर ले जाएंगे तो पावर होने पर अंदर जाने पर मल्टीप्लाई विद थ्री बाई टू, यानी ये थ्री से थ्री कट गया, टोटल आया कोसेक क्यू अल्फा, फाइनली जो आया हमारे पास वो आ जाएगा कोसेक क्यू अल्फा। तो कोसेक क्यू अल्फा से कोसेक क्यू अल्फा कट जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा, जो कि हमें शो करवा रहा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा है। तो यहां से हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आ चुकी है, सेकंड जो कोण थे वो हमारे पास पूछे थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना है हमें, तो फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास लैम्ब्डा बराबर एक तो एक्स लैम्ब्डा और न्यू दो अलग अलग होते हैं, ये एक्स के टर्म में ये होगा एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन ये होगा नीचे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये, और साथ में वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये फ्रेंड्स हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट तो ये है हमारे पास पहले, उसके बाद हम दूसरी भी निकालेंगे दूसरे का फॉर्मूला।
पहले इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, वो माइनस कोट एल्फा थी, तो ये हो जाएगा प्लस कोट एल्फा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो थी वो थी हमारे पास माइनस कोसेक क्यू एल्फा अपॉन एफ एल्फा प्लस एफ डबल डैश एल्फा थी, तो यहां से हमारे पास जब इसको वैल्यू पुट करेंगे तो ये फिर से हमारे पास इसकी वजह से माइनस साइन हटा था बट फिर से माइनस आ जाएगा क्योंकि दो माइनस आ चुके हैं, ये हो गया कोसेक क्यू एल्फा और ये हो गया हमारे पास ऊपर जाके एफ एल्फा प्लस एफ डबल डैश एल्फा। अब ये हो चुका है हमारे पास, अब हमें वैल्यू पुट करनी है वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर यानी कि कोट स्क्वायर एल्फा, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू माइनस कोट एल्फा थी तो ये स्क्वायर हो गया। अब फ्रेंड्स अगर इसको देखें तो ये हमारे पास वैल्यू क्या है, ये हमारे पास कोसेक स्क्वायर एल्फा है, तो यहाँ पे इसकी जगह हम कोसेक स्क्वायर एल्फा पुट कर सकते हैं डायरेक्टली, तो ये हमारे पास कोसेक स्क्वायर एल्फा बराबर आ गया, यानी कि यहाँ से कोसेक स्क्वायर की सिर्फ एक पावर रह जाएगी, ये हो गया हमारे पास एक्स बराबर, अब यहाँ पे जो बचा है सॉरी लैम्ब्डा बराबर, अब बचा है हमारे पास एक्स माइनस कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट को लिख सकते हैं कोस एल्फा अपॉन साइन एल्फा, और अगर कोसेक एल्फा को देखें तो कोसेक एल्फा सिर्फ वो कोसेक एल्फा बचा है, कोसेक एल्फा को क्या लिख सकते हैं वन अपॉन साइन एल्फा, तो वन अपॉन साइन एल्फा से वन अपॉन साइन एल्फा कट जाएगा, अंदर ऊपर ओनली कोस एल्फा बच गया, ये एक्स माइनस और ये बच गया एफ एल्फा प्लस एफ डबल डैश एल्फा। अब फिर से हमारे पास ये बचा है बट x की वैल्यू हमारे पास यहां से है, x की वैल्यू अगर हम यहां से पुट करना चाहें तो x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, लैम्डा बराबर x की वैल्यू हो गई हमारे पास f अल्फा cos अल्फा माइनस f डैश अल्फा sin अल्फा, और यहाँ पे अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई करना चाहें अंदर तो माइनस कोस एल्फा एफ एल्फा और माइनस कोस एल्फा एफ डबल डैश एल्फा, ये आ गया। अब यहाँ से एफ एल्फा अब यहाँ से काट क्या सकते हैं हम, ये देखना है भाई इसमें से कट कौन कौन सी टर्म सकती है, एफ एल्फा कोस एल्फा एफ डैश एल्फा साइन एल्फा, यह कोस एल्फा और कोस एल्फा एफ एल्फा यानी कोस एल्फा एफ एल्फा, ये एफ एल्फा कोस एल्फा और ये दोनों नेगेटिव साइन में है, तो यहां से ये टर्म हमारे पास कट जाएगी, तो लैम्डा बराबर आ गया हमारे पास यहां से माइनस का साइन बाहर, फ्रेंड्स माइनस का साइन बाहर, तो ये हो गया हमारे पास एफ डैश एल्फा साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा और ये हो गया हमारे पास एफ डबल डैश एल्फा डैश एल्फा साइन एल्फा। फ्रेंड्स यहाँ पे कहीं साइन में मिस्टेक है, हमारे पास यहाँ साइन में मिस्टेक हो सकती है, वो देखना होगा मैं साइन में मिस्टेक हुई कहां पर है, ये फ्रेंड्स आप चेक कर लेना, मतलब यहाँ पे सिर्फ साइन में मिस्टेक है, हमारा मेथड बिल्कुल करेक्ट है, यानी ये जो साइन है ये पॉजिटिव साइन आएगा किसी तरह से, मे बी कहीं पे मिस्टेक हुई हो, ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद अगर हम सेकंड अगर हम देखें सेकंड पॉइंट देखें हम तो सेकंड पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास न्यू, से शो करते हैं उसको और उसको निकालते हैं न्यू बराबर वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इससे निकालते हैं, तो इससे अगर हम निकालते हैं तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगी हमारे पास म्यू इक्वल टू वन प्लस
डी बाई डी एक्स क्या था, कोट अल्फा, ये माइनस कोट अल्फा तो ये कोट स्क्वायर अल्फा अपॉन, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या था, ये था हमारे पास एफ, इसको अगर याद करें तो ये था हमारे पास माइनस कोसेक क्यूब अल्फा अपॉन एफ डबल डैश अल्फा प्लस एफ अल्फा, ये था। तो यहां से अगर हम देखने चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर अल्फा, सॉरी कोसेक स्क्वायर अल्फा हुए ये तो, और ये टर्म है जो ऊपर चली जाएगी ये हो गया हमारे पास एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा, और यहां से हमारे पास माइनस कोसेक क्यू अल्फा, तो इसकी इससे दो पावर हट जाएंगे इसकी, तो अंदर हमारे पास बचा है जो बचा है न्यू बराबर, यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, एक यहां पे नीचे बराबर कोसेक अल्फा बचा वो भी माइनस का, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये हुआ एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा। तो इस तरह से हमारे पास दूसरा जो पॉइंट आया न्यू बराबर वो आ गया हमारे पास एफ अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा साइन अल्फा, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं। फ्रेंड्स ये हमारे पास जो पॉइंट था, ये पॉइंट जो था ये हमारे पास यहां पे निकला था लैम्डा बराबर माइनस, ये करेक्ट पॉइंट था फ्रेंड्स, वही पॉइंट आएगा। जो क्वेश्चन था उसमें हमने शायद मिस्टेक की थी, क्वेश्चन में हमने मिस्टेक की थी तो माइनस का साइन नहीं लिखा था, इस तरह से इसमें हमारे पास ये वैल्यू आएगी जो हमने अभी निकाली है न्यू बराबर ये वैल्यू। तो इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं, सॉल्यूशन में कोई मिस्टेक नहीं थी, जो क्वेश्चन था उसमें मिस्टेक थी। थैंक यू फ्रेंड्स।